सो यहाँ पे हम लोग स्टिल लाइफ बनाने वाले हैं और स्टिल लाइफ फ्रॉम लाइव। ओके, तो हम सामने मैंने फ्लावर पॉट रखा है और ये पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल में इस्तेमाल करने वाला हूँ। 2 mm की पेंसिल है, 2 mm इसके लीड का साइज़ होता है, तो स्टेडलर की पेंसिल में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम पेंसिल इस्तेमाल करें, हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब भी कोई आप स्टिल लाइफ बनाएं और वो सिमेट्रिकल सब्जेक्ट का हो, तो आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, वो मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे मेन पॉइंट जो ध्यान रखने वाला होता है वो है इनिशियल स्टेज, जिस स्टेज में हम प्लेसमेंट कर रहे होते हैं। अभी मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे बनेगा, किस तरीके से उसकी लाइंस होंगी, उस लाइंस में हम कितना रेक्टिफाई करेंगे, उन सब बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैंने शुरू किया ऊपर के ओवल को बनाने से, और यहाँ बीच में पहले मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ, सीधी लाइन, ठीक है, मिडिल में एक लाइन खींच ले रहा हूँ। आप चाहो तो नॉर्मली आप स्केल का इस्तेमाल करके खींच सकते हो, रूलर का, अदरवाइज़ आप फ्री हैंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मिडिल लाइन से क्या होता है ना, दोनों तरफ का हिस्सा को हम चेक कर सकते हैं कि वो सेम साइज़ का है कि नहीं, सेम डिस्टेंस में है कि नहीं। तो अब क्या है, मिडिल लाइन खींचने के बाद दोनों तरफ से मैं जब मैं फ्लावर पॉट को बनाऊंगा तो मैं दोनों तरफ से डिस्टेंस देखूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लाइन खींची, इसको पहले हल्का सा स्ट्रेट लाइंस में बनाया, उसके बाद हल्का हल्का कर्व ऐड किया। अब ये मिडिल लाइन से उस तरफ भी जब मैं बनाऊंगा राइट साइड में तो भी मैं इसी तरीके से चेक करूंगा। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को खासकर एक तरीके का बैलेंस शेप में बनाने के। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, कभी टेढ़ा बन जाता है, कभी एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है, और फिर उसमें कितनी भी मेहनत कर लो वो सही नहीं होता। तो इसीलिए शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है कि आपका जो ये जो ड्राइंग का पार्ट है वो बहुत सही लगे, वो बहुत ही स्ट्रांग रहे, वो बहुत ही क्लीन और सही तरीके से वो बने, ताकि आगे वाले स्टेज में जब आप और चीज़ें ऐड करोगे, डिटेल्स ऐड करोगे, शेडिंग्स ऐड करोगे, तो वो सही तरीके से बैठे अपनी अपनी जगह पे। तो इसलिए ये स्टेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले सिंपल लाइंस में पॉट को बनाया, अब मैं यहाँ पे कर्व ऐड कर रहा हूँ। और जब भी इस तरीके का राउंड कोई स्ट्रक्चर कोई चीज़ आप बनाते हो, तो वो ज़मीन पे जहाँ सरफेस में रखी हुई होती है वो एरिया भी राउंड होता है। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग करते हैं। इस तरीके से देखो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल है, तो समझ सकते हो कि हमने सही तरीके से हम बना रहे थे। तो ऐसे मिडिल लाइन, एक मिडिल सेंट्रल लाइन होना, जिस काफ़ी हेल्प करता है हमें चेक करने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं है। और इसको मैं अभी हल्के हाथों से रब कर रहा हूँ नीडेड इरेजर की मदद से, ताकि लाइंस को मैं थोड़ा और क्लीन कर सकूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा कर्व ऐड कर सकूँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके वर्क को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हालांकि बहुत इजी और बहुत सिंपल सी बातें लगती हैं कि मिडिल लाइन खींचो, इक्वल करो, छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में ही असली खजाना छुपा होता है। तो जो बेस होता है, जो बेसिक्स होती हैं, बेसिक बातें, लोग जब उसको मिस कर जाते हैं और हाई फाई चीज़ों के पीछे जाते हैं तो वहाँ पे वो एसेंस खो बैठते हैं। ओके, तो इसलिए बेसिक बातों का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप कितनी भी चीज़ें सीख जाओ, लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए इन सब बातों को मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ अपने आर्टवर्क में, और यही मैं रेकमेंड करता हूँ हर किसी को जो भी इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हम हाई फाई चीज़ों में खो जाते हैं, और ये सारी जो बेसिक चीज़ें हमें, वो चीज़ ही हमें हमारी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो आप देख सकते हो कि जब मैं ऊपर रोज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे रोज़ जो फ्लावर्स हैं, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्लावर्स की डिटेल में खो जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैं लाइव बना रहा हूँ, और इस तरीके से मैं अपने पेंसिल के माध्यम से चेक भी कर सकता हूँ कि इसकी एंगल कैसी है। ओके, ये शेप देख रहे हो आप, आँखों को ब्लर करो और इस शेप को देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मैं इसको कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली ऐसे फूल देखते हैं तो उसकी डिटेल्स बनाने लग जाते हैं। अब ये सिर्फ रोज़ की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे मैं चेक करने के लिए कंपैरेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये अगर फ्लावर पॉट इतना बड़ा है तो रोज़ वहाँ पे कितने ऊपर तक आएंगे। तो इस तरीके से इसको हम कंपैरेटिव मेजरमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं ये देखने के लिए कि वो चीज़ की शेप या उसकी साइज़ कितनी बड़ी है, उसके प्रोपोर्शन कैसे हैं। अब मैं यहाँ पे हल्के मार्किंग लगा रहा हूँ, देखो, ये चेक करने के लिए कि कौन सा गुलाब कहाँ तक आएगा। यहाँ पे भी एक बिगनर्स जो होते हैं खासकर, वो एक गलती करते हैं कि वो बनाते चले जाते हैं बिना ये सोचे कि बाकी गुलाब के लिए जगह होगी कि नहीं होगी, बाकी चीज़ों के लिए जगह बचेगी कि नहीं बचेगी।
इसलिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, हल्के हाथों से चेक कर लेना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, किसको कितनी जगह मिलेगी। इसको कहते हैं सही तरीके से प्लेसमेंट का करना। कमेंट सेक्शन में वर्ड लिखो प्लेसमेंट, ताकि आपको याद रहे। ये सारे वर्ड्स जो भी मैं बोलता जाऊँगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखते ज़रूर जाना, इससे आपको ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे। ओके, और प्रोफेशनली जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो उसके टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं वो याद करना ज़रूरी होता है। क्रिकेट खेलते हैं तो कवर ड्राइव, ओके, पुल ऑफ, बहुत सारे जो शॉट्स होते हैं, मुझे तो याद नहीं बट ज़रूरी होते हैं, उसको प्रोफेशनली उन सब वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। वैसे आर्ट में ये सारे जो वर्ड्स हैं कि शेप्स का सही होना, वैल्यूज़ और प्रपोर्शंस, ओके, कंपैरेटिव मेजरमेंट्स, ये चीज़ें बोलने से आपको क्लियरली पता रहेंगी, तो आप जल्दी इन सब चीज़ को कंज्यूम कर पाओगे, समझ पाओगे। अब आप देख सकते हो कि एक रोज़ को मैंने हल्के हाथों से सिर्फ ड्रॉ किया है, और धीरे 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 जो अंदर की ड्राइंग्स हैं उसको मैं और ज़्यादा रिफ़ाइन करता जा रहा हूँ, ओके, और चीज़ें वहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने शुरुआत से ऐड नहीं की थी, ये जैसे जैसे चीज़ें बन रही है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा घर बनते हुए, जब घर बनता है तो हम बेस देते हैं, उसके बाद उसमें छड़ लगाई जाती हैं, उसके बाद उसमें दीवार लगाए जाते हैं, दीवार में भी पहले ईंटें लगती हैं, ओके, डायरेक्ट ये नहीं कि उसको दीवार को फिनिशिंग दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है, ईंटें लगती हैं, उसके बाद उसको प्लस्तर किया जाता है, उसको प्लेन बनाया जाता है, फिर फिनिशिंग के साथ उसमें अलग कलर किए जाते हैं, तो सारा एक स्टेप होता है। वैसे ही किसी भी ड्राइंग को करते समय हमें ज़रूरी है कि उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम उसको पहले बनाएं अपने पेपर पे, कैनवस पे, जहाँ पे भी हम बना रहे हैं, उसके बाद उसको धीरे 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 उसमें हम जो कर्व्स हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर पाएं। अब यहाँ पे जो डिज़ाइंस हैं इस पॉट के अंदर वो मैं ऐड कर रहा हूँ, और उसको भी मैं डायरेक्टली डिटेल्स नहीं ऐड कर दे रहा हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ कि कौन सा डिज़ाइन कितनी दूर तक आ रहा है, तो उसके लिए पहले मैंने लाइंस बनाई, अब मैं हल्की फुल्की वो डिज़ाइन बना रहा हूँ। हालांकि मैं एकदम एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, वो भी बनाया जा सकता है अगर हम बहुत लॉन्ग आवर स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो स्टडी की है उसका टाइम अराउंड 2-2.5 घंटे का रखा है, तो मैं रफली इम्प्रेशन दे रहा हूँ इस पूरे सीन का जो मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। अब पॉट को स्केच करने के बाद, पॉट की ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद, मैंने सोचा कि ये साइड में जो चीज़ें दिख रही है मैं उसको भी थोड़ा ड्रॉ करूं, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको बनाना। और इसी तरीके से हम कंपोज भी करना सीखते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो सब्जेक्ट को बना रहे हैं सिर्फ उसको ही बनाएं और उस आसपास के सीन को पूरा ही इग्नोर कर दें। कई बार क्या होता है, आसपास का सब्जेक्ट, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको इंक्लूड करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है हमारे आर्टवर्क के कॉम्पोजिशन को, तो उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि यार ये साइड की चीज़ को भी हम थोड़ा सा बना दें क्या, थोड़ा सा जो ऊपर में एक एलिमेंट और दिख रहा है उसको ऐड कर दें क्या, ये हम अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं। तो मैंने भी अपने आप से सवाल पूछा और मुझे लगा कि थोड़ा सा चीज़ साइड का ये सीन को ऐड कर देते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये स्टिल लाइफ। नीचे में भी, यहाँ पे भी, अब ये जो लाइंस मैं खींच रहा हूँ इन लाइंस को सही तरीके से खींचने के लिए पर्सपेक्टिव का आना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे पर्सपेक्टिव आना ज़रूरी नहीं है, बट बेसिक पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव एक तरीके का टेक्निक होती है आर्ट में, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का एंगल, कि वो अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो उसका एंगल कैसा होगा, इन सब चीज़ों को हम सही तरीके से बना पाते हैं। तो ये जो इस स्टैंड में ये जो लकड़ी के डिज़ाइंस बने हैं वो एक पर्सपेक्टिव में, एक साइड एंगल में जा रही हैं, तो अगर हमें पर्सपेक्टिव पता है तो हम उस एंगल में अपनी लाइंस खींच सकते हैं। और यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्ले में आ रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। 1 पॉइंट 2 पॉइंट बहुत बेसिक पर्सपेक्टिव है जो कि हर किसी को आना चाहिए, 3 पॉइंट 4 पॉइंट थोड़ा एडवांस पर्सपेक्टिव है, वो नहीं भी आए तो शुरू में ज़रूरी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने ये लाइंस कुछ खींची, तो यहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल आया। अगेन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट को जो हम लाइव बना रहे हैं और जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। इस तरीके से जब भी आप लाइव ड्राइंग करो, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार उसको चेक करते रहो और अगले स्टेज में जाने से पहले उसको बार बार ठीक करते रहो। यहाँ पे अब मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, तो शेडिंग मैं ऐड करने से पहले मैंने ड्राइंग को बार बार चेक किया कि सारी ड्राइंग सही है कि नहीं है, सारे एंगल सही हैं कि नहीं है, सारी लाइन क्लीन है कि नहीं है,
सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे शेडिंग ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ें सही नहीं है तो शेडिंग ऐड करना बस टाइम वेस्ट होगा, उसको ऐड कर देंगे फिर गलती दिखेगी तो कोई फ़ायदा नहीं, आखिरी में वो ख़राब ही दिखेगा। तो इसलिए हमेशा मैं ये बोलता रहता हूँ कि जो आपका बेसिक पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, उसको सबसे ज़्यादा सीखने में फोकस करो, क्योंकि वो जब तक अच्छा नहीं होगा आप दूसरों को देखा देखी सोच सकते हो कि यार वो तो बहुत ज़्यादा दूर तक सीख गया है, ये लोग तो ये पेंटिंग सीख रहे हैं, मैं तो अभी सिर्फ स्केचिंग में अटका हुआ हूँ। ये लोगों के ख्याल आते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में कि वो दूसरों को देख के प्रेरित हो जाते हैं कि वो तो ऑयल पेंटिंग सीख रहा है, मैं तो ड्राइंग में अटका हुआ हूँ, मुझे तो और भी चीज़ें सीखनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, जिसके कारण वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही मेजर पार्ट मिसिंग हो जाता है जो कि होता है ड्राइंग और फंडामेंटल पे काम करना। तो इसीलिए जब मैंने बेसिक पार्ट, बेसिक चीज़ को ड्रॉ कर लिया, उसके एंगल्स, उसके प्रपोर्शन को देख लिया, अब मैं हल्की शेडिंग ऐड कर रहा हूँ। अब शेडिंग ऐड करते समय बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि हमें शेडिंग सीखना है, हम शेडिंग कैसे सीखें। आप शेडिंग नहीं सीख सकते, ओके, आप वैल्यूज सीखते हो। सबसे पहले हमें ये सब बातें सीखनी ज़रूरी है कि शेडिंग कोई नहीं सीखता, वैल्यूज सीखी जाती है। शेडिंग तो हम खुद कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग अपनी आर्ट की जर्नी में इंप्रूव इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो शेडिंग सीखना चाहते हैं, वैल्यू सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में उनको कहीं पता ही नहीं चलता किसी जगह पे। तो इसीलिए वैल्यू सीखना ज़रूरी है। अगर आपको वैल्यूज़ आता है तो आप हैचिंग कर रहे हो, क्रॉस हैचिंग कर रहे हो, टूल किसी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इजीली कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज़ पता है। तो इसीलिए वैल्यूज़ समझना ज़रूरी है। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क होगी या कितनी लाइट होगी। तो अभी मैं हल्के हाथों से डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लगता जाएगा कि थोड़ी डार्कनेस बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं और लेयर वाइज डार्कनेस ऐड करता जाऊँगा। सो इससे क्या होता है, हमारे पास स्कोप रहता है कि हम थोड़े थोड़े टाइम में चेक कर सकें कि किस जगह को कितना डार्क करना है, ताकि हमारे पास एक रूम रहे कि कुछ ऐड करना है तो हम कर सके। अगर हम शुरू से ही किसी, अगर मान लो इस स्पॉट में मुझे कोई एरिया बहुत डार्क दिख रहा है और मैंने शुरू से ही उसको पूरा डार्क कर दिया, और डार्क करने के बाद मैंने देखा कि एक और जगह है जहाँ पे और डार्क करा जा सकता है, तो अब उस स्पॉट के कंपैरिजन में मैं उस जगह को और ज़्यादा डार्क नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपने मैक्सिमम वैल्यू स्केल को टच कर दिया है। तो इसलिए हमें वैल्यूज़ को बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि जो भी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पेंसिल की एक रेंज होती है कि हम इतना ही डार्क जा सकते हैं, इससे ज़्यादा डार्क नहीं जा सकते। जो पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़ेद कलर का, उसका एक लिमिट होता है कि हम इतना ही सफ़ेद पेपर को छोड़ सकते हैं, इस पेपर को और ज़्यादा चमका नहीं सकते, ये पेपर की लिमिट है, ओके, इस टूल की लिमिट है। तो हमें उस लिमिट के अंदर काम करना है और ऐसा काम करना है कि हम नेचर जिसको देख के हम बना रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि नेचर की लिमिट को हम मैच नहीं कर सकते। नेचर में बिलियंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, बट हमारे हाथ में बस 10-20 वैल्यूज़ हैं। तो इसीलिए हमें रूम बना के चलना होता है कि अगर सबसे ज़्यादा डार्क कोई चीज़ दिख रही है हमें नेचर में, तो उस डार्कनेस के हिसाब से हमारा पेंसिल या हमारे कलर कितने डार्क जा सकते हैं। अगर नेचर में कोई चीज़ वाइट दिख रही है, ब्राइट सी दिख रही है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा पेपर कितना वाइट है, तो उसी हिसाब से हमें डार्कनेस और लाइटनेस को देना होता है अपने आर्टवर्क में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही एकदम डार्क कोई चीज़ को ना करें, हल्की हल्की डार्कनेस बढ़ाते जाएं और पूरे माहौल के हिसाब से चेक करें कि इतना डार्क ऐड किया, इसके हिसाब से बगल में और ज़्यादा डार्कनेस देनी तो वहाँ थोड़ा और डार्क ऐड किया, थोड़ा और डार्क ऐड किया। तो इस तरीके से हम चीज़ें ऐड करते जा सकते हैं। अभी इस स्पॉट के नीचे में मैं और थोड़ी डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर्ड टू टॉप का पार्ट, क्योंकि टॉप के पार्ट में थोड़ी ज़्यादा लाइट आ रही है और नीचे के पार्ट में थोड़ी ज़्यादा डार्कनेस है। तो ये चीज़ जब मैंने देखी तो यहाँ, उसके बाद मैंने थोड़ा डार्कनेस ऐड किया। तो आप देख सकते हो कि ये जो डार्कनेस मैं ऐड कर रहा हूँ ये मैं लेयर वाइज कर रहा हूँ, न कि पहले ही बार में मैंने ट्राई किया कि एक ही बार में शेडिंग करके कंप्लीट कर देंगे। ऐसे करने से वैल्यूज़ के बिगड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और ख़ासकर अगर आप बिगनिंग स्टेज में हो तो 100% आपका वैल्यूज़ बिगड़ेगा अगर आप एक ही बार में डार्कनेस या लाइटनेस अचीव कर रहे हो तो, ओके। तो इसीलिए लेयर वाइज हम ऐड करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को सही कर सकें, और ये सबसे सही तरीका है वैल्यूज़ को सही करने का। और
और जब तक आपके वैल्यूज स्ट्रांग नहीं होंगे, वैल्यूज़ की समझ नहीं आएगी, आप कितनी भी स्टडीज़ करो, आप कितनी भी शेडिंग को सीखने की कोशिश करो या डिफरेंट कलर को सीखने का कोशिश करो, उसकी कोई वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ये चीज़ जब मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी शेयर करी है, मैं एक ट्रेनिंग भी चलाता हूँ ड्राइंग मास्टरी नाम की, जहाँ पर मैं ये सारी बातें बिगिनिंग लेवल पर सिखाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने सेम गलती देखा। और इसीलिए ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इंडिया में खासकर जितने भी खासकर सेल्फ टॉट लोग हैं, जो किसी कॉलेज में या किसी जगह पे प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, वो लोग जब तक ये चीज़ें नहीं सीखेंगे उसको इम्प्रूवमेंट वो नहीं ला पाएंगे। और ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, जब मैंने भी सीखना शुरू किया था तो बहुत गलती करता था, और जब मैंने अपने गुरुओं से ये सारी बातें समझी, ये सारी बारीकियाँ सीखी, तो उसको इम्प्लीमेंट करते 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 बहुत सारे डाउट्स मेरे क्लियर हुए, जिनको क्लियर करने के बाद आर्टवर्क अलग लेवल पे एक इम्प्रूवमेंट पा जाता है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूँगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ड्राइंग मास्टरी के अंदर, उनके कुछ काम भी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शेयर करना चाहूँगा आपको, ये दिखाने के लिए कि वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर लेने के बाद किसी आर्टवर्क में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। आप ये वर्क देख सकते हो कि पहले और बाद में कितना ज़्यादा वैल्यू के लेवल पे चेंज आया है, वैल्यूज़ को सीखने के बाद कितना ज़्यादा शिफ्ट आया है आर्टवर्क की क्वालिटी में। तो ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल को या प्रिंसिपल को सीख जाने के बाद, कि आपका बेस लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आप क्लियरली चीज़ों को समझ पाते हो, आप इन सब बातों पे उलझते नहीं हो कि कौन सा ब्लेंडिंग टूल लूँ, कौन सी क्या लूँ, वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अभी आप देख सकते हो कि फ्लावर पॉट में कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं, अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वही डिज़ाइंस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बनाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मैं लॉन्ग पेंटिंग्स में या जब मैं 2-3 दिन के पेंटिंग्स बनाता हूँ, 2-3 दिन लगा के या कई घंटे लगा के कोई आर्टवर्क बनाता हूँ, उस केस में हम चाहें तो हर एक डिज़ाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक ड्राइंग कर रहा हूँ कुछ ही घंटों के अंदर, तो मैं सिर्फ इम्प्रेशन दे रहा हूँ, ओके। एक इम्प्रेशन देना सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्रेशन देने का मतलब होता है कि ऐसा फील देना कि हमने डिज़ाइन दिया है, लेकिन हमने एग्जैक्टली वो सारे डिज़ाइंस नहीं बनाए। तो इसको देने जब ये शुरू किया तो मैंने देख लिया था कि ये जो फ्लावर पॉट के अंदर जो डिज़ाइंस बने हैं ये एकदम वाइट कलर के नहीं हैं, ओके। देखने में ये वाइट दिख रहे हैं पर ये वाइट नहीं है। तो मैंने पूरा फ्लावर पॉट को एक बेसिक वैल्यू दिया, उसके बाद जो बाकी एरिया बच गए हैं, जिसको हम नेगेटिव शेप्स बोलते हैं, उस डिज़ाइंस के आसपास फ्लावर पॉट में जो एरियाज बच गए हैं उसको मैंने थोड़ा और डार्कनेस वहाँ पर ऐड कर दी, तो ऑटोमेटिकली हल्के फुल्के डिज़ाइंस इस पॉट में दिखने लगे हैं, ओके। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन जब आप इसको समझ जाते हो तो आप डेली बेसिस में जो आपकी प्रैक्टिस है उसको आप और बेहतर और अच्छे क्वालिटी के लेवल पे पहुंचा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस हम सबको करनी है। हम सबको पता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आर्ट में। हमें पता है कि अगर प्रोफेशनली जाना है तो तब तो पागलों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कई सालों की तपस्या है, कई सालों की जर्नी है, इनफैक्ट हमें ज़िंदगी भर इस जर्नी में चलते रहना है। लेकिन जब हम सीखते हैं और समझते हैं इन बातों को और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और सही दिशा में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा हर प्रैक्टिस हमें ग्रोथ देता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों को समझें और प्रैक्टिस हमेशा करें, खासकर लाइव स्टडीज़ इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। कॉमेंट सेक्शन बताएँ ये लेसन आपको कैसा लगा।